क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडी चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, आग और बर्फ। वेल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर स्केल की वो सच्चाई जिसको जानकर आपका चेहरा बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। वेल, मैं अगर आपसे बोलूं कि सूर्य से कई हजार गुना तापमान तो हमने पृथ्वी पर ही मेजर किया है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे गर्म चीज के बारे में, तो दिल थाम कर देखिए इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जिस पर पानी जमकर बर्फ में बदल जाता है, और इस तापमान पर तो हमारी खैर कप कप ही छूटने लगती है। इससे थोड़ा ऊपर 36 डिग्री टेम्परेचर पर सॉफ्ट सॉफ्ट बटर पिघलने लगता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा 37 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का होता है। पृथ्वी की सरफेस का अब तक का रिकॉर्ड किया गया दिन के समय का हाईएस्ट टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस है, जिसको 2005 में रिकॉर्ड किया गया था। इससे अधिक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो हम जानते ही हैं कि पानी लिक्विड फॉर्म से गैसीय फॉर्म यानी वेपर में बदलने लगता है। इससे अधिक तापमान वो है जहां तक कोई जिंदा प्रजाति सरवाइव कर पाई है, और वो है 151 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें कि टार्डिग्रेड जल में रहने वाला 8 टांगों वाला सूक्ष्म जीव है जिसने ये तापमान सहन किया था। पारा अगर और ज्यादा बढ़े तो हमें मरकरी के दिन के समय का तापमान मिलता है जो कि है 427 डिग्री सेल्सियस। इससे थोड़ा और अधिक जाएं तो हमें वीनस का मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर मिलता है जो कि 462 डिग्री सेल्सियस है। आपको बता दें कि वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पता है वीनस से ज्यादा टेम्परेचर किस चीज का है? अरे इस गाड़ी का नहीं, जब फॉर्मूला 1 कार की ब्रेक लगाई जाती है तब इससे 750 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। ओ माय गॉड। अब क्या आप जानना चाहते हो कि अगर कहीं पर आग लगती है तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंच सकता है? वो है 1027 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक तापमान हमें वॉल्केनिक लावा का मिलता है जो कि 1200 डिग्री सेल्सियस है। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो हमें वो तापमान मिलता है जिस पर लोहा सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगता है, यानी कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, जो है 1538 डिग्री सेल्सियस। तापमान को और बढ़ाकर 2861 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दें तो इस तापमान पर जो लोहा लिक्विड में बदला हुआ था वो अब गैस में बदलने लगता है। मतलब ये तापमान लोहे का बॉइलिंग पॉइंट है। अब चलते हैं सर जी अपने सूर्य की ओर, जिसके सरफेस का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सरफेस से ज्यादा तापमान तो हमारी पृथ्वी की कोर का है जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब है सबसे ज्यादा तापमान सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर का, जो है 1000000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सूर्य के सरफेस से होते हुए इसकी कोर तक पहुंचे तो हमें इसकी कोर में जो तापमान मिलेगा वो है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। जब किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो हमें जो तापमान मिलता है वो है 55 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जब हमारे ब्रह्मांड का बिग बैंग धमाके से जन्म हुआ था उसके 100 सेकंड बाद इस ब्रह्मांड का जो तापमान पहुंचा था वो था 1 अरब डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक टेम्परेचर हमें मिलता है किसी भी नए बने न्यूट्रॉन स्टार का, जो है 99,99,99,99,00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 ,
सेल्सियस। ये इंसानों द्वारा पैदा किया गया अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। ये तापमान वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड में मौजूद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हासिल किया था। चलिए अब चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर की ओर। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था, जिसमें सारा ब्रह्मांड एक छोटी सी डॉट में समाहित था, और वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में अभी तक सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बिग बैंग से ठीक पहले उसी छोटे से डॉट का था। वो टेम्परेचर कितना था पता है? इतना। आपकी स्क्रीन पर जो 34 फिगर का नंबर दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। वैज्ञानिक इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट हॉट बोलते हैं। एब्सोल्यूट हॉट का मतलब है टेम्परेचर स्केल पर इससे ज्यादा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देगा। दोस्तों, ये तो हमने जाना ब्रह्मांड की सबसे गर्म चीज के बारे में। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं ब्रह्मांड की सबसे ठंडी चीज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमकर बर्फ में बदल जाता है। हालांकि इस तापमान पर हमें ठंड महसूस होती है, लेकिन फिर भी ये तापमान बहुत ज्यादा गर्म है। अगर इससे नीचे जाएं तो हमें मिलता है भारत में अब तक का सबसे कम रिकॉर्डेड तापमान, जो कि -45 डिग्री सेल्सियस है, जिसे कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया था। और आज तक का पृथ्वी का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है -89 डिग्री सेल्सियस, जिसे 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था। इससे कम मंगल ग्रह का तापमान है, जिसका रात के समय तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे कम तापमान हमारे चंद्रमा का है। जब चांद पर रात होती है तो उस समय इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह चांद की अपेक्षा सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, तो फिर चांद मंगल की अपेक्षा इतना ठंडा क्यों?
तो कारण है कि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। इससे कम -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रोजन गैस गैसीय फॉर्म से लिक्विड में बदलने लगती है। इससे थोड़ा और नीचे -210 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस जम जाती है। किसी समय में प्लूटो हमारे सौरमंडल के ग्रहों की लिस्ट में शामिल था जिसका तापमान है -229 डिग्री सेल्सियस। इससे कम पारा जाता है -253 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर हाइड्रोजन गैस गैसीय फॉर्म से लिक्विड में बदलने लगती है और -259 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन पूरी तरह से जम जाती है। इससे और नीचे जाने पर -269 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम गैस लिक्विड में बदलने लगती है। इससे कम हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर मिलता है जो कि है -270 डिग्री सेल्सियस। और इससे कम -272.2 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम गैस पूरी तरह जम जाती है। अब चलते हैं इससे भी कम तापमान पर जो कि खुद पृथ्वी पर ही रिकॉर्ड किया गया था, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली। दरअसल इटालियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस टेम्परेचर को लैब में हासिल किया था जो था -273.14 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं ब्रह्मांड की सबसे ठंडी चीज की ओर और वो है ब्लैक होल। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल फिजिक्स के नियमों के अनुसार किसी एटम में मौजूद पार्टिकल्स के वाइब्रेशन बंद हो जाएं तो ऐसी स्थिति में कोई भी हीट नहीं रहती। प्रैक्टिकली ऐसा हो पाना असंभव है लेकिन थ्योरेटिकली वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल की कोर में मैटर इतना डेंस होता है कि वहाँ स्मॉल पार्टिकल्स के वाइब्रेशन रुक जाते हैं। इस वजह से ब्लैक होल की कोर का टेम्परेचर -273.144 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। आपको बता दें -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है जो कि केल्विन स्केल पर 0 केल्विन होता है और इससे नीचे तापमान कभी नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो फिजिक्स के नियम ही टूट जाएंगे। वैसे फिजिक्स का एक नियम और है कि आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक करना तो बनता है। वैसे दोस्तों आप हमारे वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये